Okay, there was a mistake done by me. Everyone, please note this mistake. Side slope of the channel is h upon v. If I'm talking of bed of slope of the channel, that will be vertical to its horizontal ratio. Vertical is 0.2 and horizontal is 6.5. Get the answer in terms of get the answer of slope, everyone. Yes. Zero point zero three. Yes, this is the bed slope of the channel. है ना, we always get this answer in 0.10⁻³ या वैसे कुछ मिलता है, correct? So तो बहुत बड़े channel होते हैं, but if I'm talking about small channel, vertical to its slope, we always write this answer in terms of 1/2000, 1/1000. कुछ याद है, everyone? 1/2000, 1/3000, correct? So that one indicates कि 1 मीटर का हाइट वी विल गेट 1 मीटर हाइट आफ्टर ट्रैवलिंग 2000 मीटर लेंथ ऑफ द चैनल. सो आफ्टर ट्रैवलिंग 6.5 मीटर वी विल गेट अ हाइट ऑफ 0.2. बट अभी ऑलरेडी मोटर चालू है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगा. बेड स्लोप ऑफ द चैनल फर्स्ट स्टेप सेटअप किया, सेकंड स्टेप वी हैव स्टार्टेड द मोटर, थर्ड स्टेप स्टॉपवॉच के हेल्प से वी हैव कैलकुलेटेड द डेप्थ, वी हैव गॉट द आंसर ऑफ डेप्थ एट 0.2 मीटर, एंड आफ्टर विद द हेल्प ऑफ दैट 0.2 मीटर हमने बेड स्लोप ऑफ द चैनल ढूंढ लिया, करेक्ट? यस नो? यस सर. यस, परफेक्ट. आ जाओ, ऑलरेडी मोटर स्टार्ट है स्टूडेंट्स, बराबर. स्विच ऑन ही करके छोड़ के चला गया था. ओके, लिसन हियर. Now water level is getting rise over here in the tank one. Yes, you can say yes, tank one or tank two, or you can say इसका नाम देता हूँ मैं upstream tank as per your manual. Upstream ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, U/S technical term में, correct? Upstream side of the tank. Okay. This red color is nothing but the liquid. Okay. You can see over here water get rise over here. यहाँ से पानी कम होगा, correct? Now what will happen? Water is now you will open this gate. Gate को अभी close था student. Now you have open the gate. बराबर? You have just open the gate. देखो gate कैसे खोल रहा हूँ, ध्यान देना please. A flat plate surface is provided over here. When you open the gate, you rotate the wheel. Correct? When you rotate the wheel, the gate will slightly move upward. You can see over here this gate is moving upward. Correct? Have you seen this gate? कैसे ओपन हुआ? Correct? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now water will start flowing from here. Okay. ये कुछ नहीं स्टूडेंट, ये पूरा सेटअप जो है ना स्टील का है, बराबर? स्टील और यू कैन से आयरन का है, बराबर? लोहे का है, बराबर? तो दिस पार्ट वोंट बी ओपेक, बट दिस पोर्शन विल बी ओपेक, बराबर? यू कैन विजुअलाइज, यू कैन सी ओवर हियर द फ्लो ऑफ वाटर टिल हियर टू हियर, बराबर? आपको एक्चुअल डायग्राम में देखा रहेगा आपने, करेक्ट? सो ये कुछ नहीं है, यू कैन से पार्टीशन जंक्शन, बराबर? इसका कुछ काम नहीं है, देयर इज नो रोल ऑफ दिस, बराबर? तो ये मैं हटा देता हूं. ओके, नाउ वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हियर, बराबर? यू हैव अगेन ओपन दिस गेट ऑल्सो, बराबर? ये गेट भी आपने खोल दिया, यू हैव ओपन दिस गेट ऑल्सो. I will show you. Okay. Now this gate is also open. Gate one as well as gate two, both the gates are open, and water will start falling from here. Little bit you can see there is a tilting. Correct? दिख रहा है हल्का सा tilting? Or should I zoom? You can also zoom and see. बराबर? ओके, नाउ लिसन हियर, वाटर विल स्टार्ट फॉलिंग इन दिस, बराबर? एंड अगेन दैट डेप्थ विल बी मेंटेन, बराबर? और एक पूरा साइकिल मेंटेन हो जाएगा इन दिस मैनर, बराबर? इन विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करेक्ट? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन पूरा यहां से पानी आएगा, वाटर मूव फ्रॉम हियर ट्रेवलिंग टू द अपस्ट्रीम साइड, एंड इट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस मैनर, करेक्ट? परफेक्ट? यस. ओके,
देयर इज अ वाल आल्सो ओवर हियर, देयर इज अ वाल सेटअप, बराबर यहां पे एक छोटा सा वाल सेटअप भी होता है स्टूडेंट, बराबर ये पानी जो जाना है उससे वी कैन कंट्रोल द वाटर फ्लो, बराबर अगर हम एक कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटर्नल सेटअप रहता है वो आप लोग को नहीं सिखाया जाता है बिकॉज उसका कोई रोल नहीं है, वी सेटअप दैट वो हम करते हैं, बट आई विल शो यू दैट यहाँ पे वाल सेटअप रहता है विच हेल्प इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। अगर आपको यहाँ पे मतलब क्लोज करेगा गेट को, मीन्स कम पानी जाए ज्यादा पानी जाए, यू कैन कंट्रोल दैट फ्लो फ्रॉम हियर, बराबर ये वाल के थ्रू होता है। ओके, सो वॉट यू कैन सी ओवर हियर, द वाटर स्टार्ट मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे क्लॉकवाइज 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 मूव हो रहा है। You will wait for 10 minutes, 15 minutes till the water moves in a laminar manner, in a uniform flow. Barabar? So correct word is ka uniform, because our chapter, our syllabus, our content is based on uniform flow for the first part. Second part is non-uniform flow. For the first part, uniform flow. And for the uniform flow only, Chasez sir has derived Chasez constant equation. Barabar? So what does the term uniform means? Uniform means the flow will be linear, smooth flow yahan pe available hoga, correct? Aise means agar if you have visited some of the hilly region, wahan pe dekhoge river se pani aise dheere dheere pyar se jayega, you won't imagine also, aapko pata bhi nahi chalega ki yes the water is moving, it will be a stable water moving little in a slow manner. Dekha hai kabhi, matlab video pe dekha hai ga, actually video pe dekha hi rahega ki ek water aise ekdam pyar se ekdam dheere 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 move hota hai. बराबर, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज अ लेमिनार फ्लो एंड वी हैव टू मेंटेन दैट फ्लो। तो फ्लो कैसे मेंटेन होगा, यू विल क्लोज दिस गेट और थोड़ा सा पतला वाटर जाने दोगे एंड यू विल क्लोज दिस गेट आल्सो ताकि पानी इसी के अंदर रहे और धीरे धीरे मूव हो, करेक्ट? तो आपको एक लेमिनार फ्लो मिल जाए, मीन्स यू डोंट हैव टू कीप दैट वाटर स्टेबल, गेट क्लोज कर दोगे तो पानी अंदर ही भरेगा, नहीं वो भी नहीं करना है। एक हल्का सा ओपनिंग दो, फ्रॉम देयर वाटर विल मूव इन अ लेमिनार मैनर, इन अ यूनिफॉर्म मैनर, विदाउट अप्स एंड डाउन्स वाटर विल स्टार्ट मूविंग। बराबर, यू हैव टू मेंटेन दैट, you have to make that condition that is of uniform flow. Wo kar liya abhi tak aapne? Okay, so what you have done, you have maintained uniform flow. Aapne kya maintain kiya? Uniform flow maintain kiya. Okay, yahan tak clear hai? Ye 6 part kar liya aap log ne? Yes sir. Okay, now using this moving scale or with the help of steel scale, barabar, we can calculate the depth of water over here. Barabar, यहाँ पे डेप्थ हम मेजर करेंगे, लेट अस मार्क इट एज डी वन एंड यहाँ पे एक डेप्थ मेजर करेंगे डी टू, समझा सर? इज देयर एनी मार्किंग कि यस दिस विल बी वन पोजीशन, दिस विल बी टू पोजीशन? देयर इज नो प्रॉपर मार्किंग, बराबर, बट व्हाट वी डू, वेयर द ग्लास स्टार्ट एंड वेयर द ग्लास एंड्स, एट द टू पॉइंट्स वी कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द वॉटर प्रेजेंट ओवर देयर, करेक्ट? दिस डेप्थ मीन्स दिस वन डेप्थ, बराबर, ये डेप्थ होंगे हम लोग, बराबर सर? बट इन वीडियो यू हैव शोन कि वी आर कीपिंग द नीडल ऑफ द दैट स्केल ऑन द अपर सरफेस, करेक्ट? वीडियो में मैंने आपको वो दिखाया था, हाँ ना? यस नो? यस सर। हाँ, तो वीडियो में मैंने वैसा क्यों दिखाया था, अभी समझाता हूं। ओके, bed slope of the channel, bed slope of the water. So as I told you, you can measure this depth and you can measure this depth. बराबर, needle के through बता रहा हूँ. Please understand the situation. Needle के through समझा रहा हूँ. समझ रहा है? हाँ ना? Yes sir. समझ रहा है. Okay. ये देखो, ये आपका moving scale यहाँ पे attach है. Moving scale यहाँ कहीं तो लगा रहेगा. बराबर, understand करो. Okay. So आपने needle यहाँ रखा है और यहाँ रखा है. Let us mark this Y1. And let us mark this as Y2. Okay. But student, अगर मैं नीडल को डाउनवर्ड्स मूव करूं, जो बेड यहां पे है वो सेम बेड यहां पे भी रहेगा, करेक्ट? बिकॉज वॉटर का डेप्थ चेंज होगा, बट ये बेड का डेप्थ उतना चेंज नहीं होगा, इट विल बी लिटल बिट सिमिलर ओनली, हल्का सा स्लोप रहेगा, हल्का सा, पता भी नहीं चलेगा तुमको नेकेड आई से, करेक्ट? सो दैट स्लोप विल बी डी, दैट स्लोप विल बी डी, बराबर? सो वॉट यू विल डू, D, D1, let us mark it as D1, correct? D1 will be nothing but, मेरे को D1 चाहिए, बताओ क्या करूंगा मैं? D1 will be nothing but, D1 चाहिए मुझको, इतना portion चाहिए, this portion is D1, I need this portion, D1. D minus Y1. Perfect, D minus Y1. D minus Y1. And what will be D2?
डी टू क्या रहेगा, डी माइनस वाई टू बराबर। तो एक फिगर आपको दिखाया था स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल के टाइम, एक ऐसा कुछ तो डायग्राम दिख रहा था y1 y2 d1 d2, समझ में आया? Yes, sir. प्रेजेंस स्क्रीन में वापस दिखा दूंगा, पहले समझ के लो यहाँ पे। ओके सर, इतना टेंशन क्यों करना बराबर, इतना मगजमारी करना, तो डायरेक्टली सिंपल क्या कर सकते हो आप लोग बराबर, ये स्मार्ट तरीका है बराबर। आप क्या कर सकते हो, यू डायरेक्टली डिप द स्केल इन दिस, डायरेक्टली डिप करो बराबर एंड गेट द वैल्यू बराबर। ये सब हटा दो, ये सारे सेटअप हटा दो, करेक्ट। हम दोनों मैनर से कर सकते हैं, डोंट थिंक कि सर ने ऐसा बोला तो ऐसे ही करना है। ओके ओके, आपने क्या किया, यू हैव डिप द स्केल ओवर हियर स्टील स्केल, यू हैव गॉट द डेप्थ ओवर हियर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मीटर, अगेन डिप द स्केल ओवर हियर बराबर एंड गेट द डेप्थ ऑफ द वाटर इन सेंटीमीटर एंड कन्वर्ट इनटू मीटर। समझ में आया, सिंपल एज यूजुअल। मेन इंटेंशन तो यही डेप्थ ढूंढना है ना, यही डेप्थ ढूंढना है ना, करेक्ट ना। सो इतना लंबा प्रोसीजर से यू कैन फॉलो दिस प्रोसीजर ऑल्सो, वैलिड है करेक्ट, बट हम लोग प्रैक्टिकल यही परफॉर्म करेंगे। ये मैं आपको अभी समझाने के लिए बिकॉज ऑनलाइन समझा रहा हूं, तो डायरेक्टली इन शॉर्ट यू कैन कैलकुलेट दिस डेप्थ ऑल्सो। डन डन, ओके। सो व्हाट यू हैव डन विद द सेवन स्टेप, यू हैव कैलकुलेटेड द डेप्थ, कैलकुलेटेड यू हैव मेजर्ड डेप्थ, कैलकुलेटेड वर्ड गलत रहेगा, मेजर्ड डेप्थ लिखता हूं, मेजर्ड डी एंड इन द लास्ट स्टेप टेक एवरेज ऑफ डी। आपने क्या कर लिया, एवरेज ऑफ डी ले लिया। समझ में आया, यस नो? एवरेज ऑफ डी इज नथिंग बट डी वन प्लस डी टू डिवाइड बाई टू। ओके डन, एक पूरा सीरियल नंबर कंप्लीट हो गया, यार वी हैव कंप्लीटेड विद द वन होल प्रोसीजर, वन होल सेटअप। सो व्हाट इज द सेकंड प्रोसीजर, यू हैव टू जस्ट चेंज दिस नॉब, एज यू चेंजेस दिस नॉब, एज यू चेंजेस दिस वाल्व, योर फ्लो ऑफ वॉटर थ्रू दिस पंप विल गेट वेरीड, यू विल गेट अ डिफरेंट डिस्चार्ज, करेक्ट, यू विल गेट वॉट अ डिफरेंट डिस्चार्ज। Let us mark that discharge as Q2, बराबर, पहला was Q1, and again, for the third part also, you have to just rotate this knob, you will get a different discharge, बराबर, वो discharge कैसे मिलेगा, volume divided by time, आपको discharge मिलेगा, Q1, Q2, Q3, समझ में आया? Yes, sir. Okay. तो इसके through, आपको तीन बार पूरा experiment करना है, and you will get the average of C, वो C कैसे मिलेगा, वो समझ के लेते हैं। फर्स्ट थिंग, क्यू एक्चुअल, यस एनी वन ऑफ यू क्यू एक्चुअल फॉर्मूला फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पस, एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू, एरिया इनटू वेलोसिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट थ्रू दिस टैंक आई हैव टू मेजर, क्यू एक्चुअल, एनी वन ऑफ यू, वॉल्यूम अपॉन टाइम, परफेक्ट आंसर, वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन, ओके ओके। And what about volume? Volume formula will be length into breadth into length into breadth into height, height, height of a tank upon time. Correct. So please start calculating along with me. Length of that tank is 1 into width of that tank is 1.5 and depth, let us say how much we have taken, 20 centimeter. Correct na? No. How many centimeter it has gone below? Any one of you? कितना सेंटीमीटर बिलो बोला मैंने in one minute? One minute कितना सेंटीमीटर बिलो बोला? 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर. तो 0.2. बराबर? और ये स्लोप भी हमने 20 सेंटीमीटर दिया है. ये भी हमने 20 सेंटीमीटर दिया. Don't get confused. और यहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर का डेप्थ हमने मेंटेन किया. बराबर? ओके. या फिर काम करता हूँ. कोई भी एक जन, आई थिंक सो, मैं नाम थोड़ा देख लेता हूँ, 5 into 10 raised to minus 3. 5 into
10 raised to minus 3 meter cube per second. Please note down this value Q actual. Note down these steps also. Note down this calculation part also. Q actual. Abhishek. Abhishek. Rain. Sir. Achha, haan, Abhishek. Have you understood how we have calculated L into B into H upon T? Okay. Please justify why I have written over here 1 into 1.5. Why I have not written here 2 into 2.5? Yes, Josh. Kya answer hai? Why I have written them only 1 into... Haan, from where we have got this length and breadth? Sir, water present in the tank. I'm talking about this length and breadth. Barabar? This is length and breadth. Barabar? Length and width of that tank. Barabar? Ye tank ka length or breadth hai. It will always remain constant. Barabar? Throughout the whole setup. Barabar? Because this is the actual setup dimension. It will never change. From where we have got this 0.2? Yes, Abhishek? From where we have got this 0.2? एक मिनट में जितना पानी कम होता है उतना ओके ओके थैंक्स अ लॉट समझ गया तुमको ओके हमको क्यू एक्चुअल मिल चुका है अंडरस्टूड यस नो यस सर ओके नाउ सेकंड पार्ट हैव एवरीवन रिटन दिस एंड दिस पार्ट अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो बहुत अच्छा है स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेस्ट होगा बट व्हेनेवर यू टेकिंग द स्क्रीनशॉट Should I wait for 1 to 2 minutes? आप डायग्राम बना के लोगे कि आप पैसे ही कर लोगे समझ जाओगे एक्सपर्ट हो रेन वॉट शुड आई डू सर आप जब पढ़ा रहे थे तो बना लिया है डायग्राम ओके 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 बहुत और नोट डाउन भी किया ओके ये नोट डाउन किए स्टेप्स यस सर ओके 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 please note down the calculation part. We have calculated Q actual. Barabar? Next step. Step 2. We will calculate D1, D2 and D average. Okay. D average. Which is nothing but D only. Barabar? You can name it as Y1, Y2 and Y average. So don't get confused. In your experiment manual, whatever in your lab manual, you will see Y1, Y2 and Y average. You, in your Bansal Rajput, you will see D1, D2 and D average. Whatever. So don't get confused with this term. Y and D both term are same, which is nothing but depth of the water present. Okay. So let us take here I am getting 15 centimeter depth and here I am getting 20 centimeter depth. Whatever. So get the convert this answer in terms of meter. Yes. Meter. 0.175. Okay. Done. Please note down the second step. Step 2. Please note down the second step. Okay. Should I proceed further? Okay. Okay. Next question 2. Okay. Next question 2. Abid Ali or Ammar. Abid Ali or Ammar, any one of you can unmute yourself. Abid Ali or Ammar. And who is 1, 2, 3, 4, 5, 6? Should I remove him or her? Whoever is 1, 2, 3, 4, 5, 6, rename yourself. Otherwise, I will remove within 1 second. Ammar, unmute yourself. Ashad Khan.
ओके जश जश यस सर हाँ बेटा फ्रॉम व्हाट डिवाइस सर और टैंक का मतलब डेथ फर्स्ट गेट से डी वन वाटर का टैंक नो टैंक टैंक सॉरी वाटर है सॉरी सेक्शन वन एट सेक्शन वन यू कैन सेक्शन वन वाटर टैंक एट सेक्शन वन एंड व्हाट इज डी टू जस्ट वाटर डेप्थ एट सेक्शन टू परफेक्ट आंसर वाटर डेप्थ and section 2 okay done step 2 completed now we'll move to step 3 third step area of flow barabar I'm talking about wetted perimeter barabar let us imagine कि this is your channel correct ऐसा channel आपका setup हुआ यहाँ पे ऐसा correct and ये part आपका wall है and this portion is wall perfect glass wall है बराबर so what you can see कि this is the width of the channel हाँ ना yes no this is the width of the channel correct yes sir yes sir perfect so what is the width of the channel those who have written the observation part they must be aware of width of the channel that will be fixed throughout the experiment yes I have already shown the width of the channel. Any one of you can answer. Width of the channel. Koi answer nahi de raha. Width or breadth 0.25 meter. Perfect answer. 0.25 meter. Okay. Thanks, beta. Thanks. B into D. 0.25. And D average is 0.175. Correct? So we have got the area of wetted region please note down and get the answer and 043 nahi sunai diya 0.043 okay correct hai 0.043 yes sir okay third step हाँ अ कॉमन मिस्टेक डन बाय एवरी स्टूडेंट व्हेनेवर आई आस्क देम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द चैनल बराबर दे ऑलवेज कैलकुलेट बी इनटू डी एंड इन डी दे कीप 0.3 व्हिच इज मेंशन इन द ऑब्जर्वेशन टेबल यू हैव टू नेवर टेक द डेप्थ ऑफ द हाइट ऑफ द चैनल बराबर हाइट ऑफ द चैनल की बात नहीं हो रहा है वेटेड रीजन का जितना पोर्शन प्रेजेंट है वॉटर का आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डेप्थ सो स्टूडेंट व्हाट दे डू दे कैलकुलेट दे यूज दिस टी व्हिच इज रॉन्ग करेक्ट समझ में आया That is height of the channel, depth of the channel. I am talking about depth of the water. You can say wetted area. बराबर wetted area की बात कर रहा हूँ मैं, not total area. Cross sectional area की बात नहीं कर रहा हूँ. I am talking about the wetted area. Cross sectional area अलग होता है, wetted area अलग होता है. The area which is in contact with water, that area is known as wetted area, and the whole dimension is known as a cross sectional area. Third part, दो part हो गए. तीसरी part पे move हो. Perimeter of wetted region. Perimeter of wetted region. M. Perimeter is denoted by symbol small p or capital P. Yes. Any one of you, please formula for perimeter. Any one of you? B plus 2D. Okay. Get the answer of B plus 2D. B kya rahega width of the channel, which is 0. Abhi just bataya mere ko Reem ne. 0.25 and depth is 2 into 0.175. So we have point 0.6. Okay. Done. Thank you. Please note down this part. Perimeter. Next, fourth part. Hydraulic mean depth. Denoted by symbol. Any one of you? M equals to A by B. Get the answer of M.
0.071. Then should I erase this? Okay. Next part, velocity. 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 Q actual upon area. Okay. Last step. Using equation. Step number 6, na? Using equation. V equals to C under root M and I. Therefore, C equals to V upon under root MI. Correct? We are having all the values, velocity value also, M value also, I value also. I is nothing but bed slope. Main yahan I likh deta hoon. Agar aapko confusion ho raha hai to. So, yahan pe C ki value aa jayegi. 2.51. Theek hai. 2.51. This is for small channel, 2.51 aaya. Actual range is from 60 to 75 for large width of channel. Barabar? Okay. अब ये अलग अलग डिस्चार्ज के लिए हम कैलकुलेट करेंगे बराबर नॉट चेंज कर करके ये अलग अलग डिस्चार्ज के लिए करेंगे समझ में आया व्हाट इज द मेन इंटेंशन ऑफ दिस प्रैक्टिकल और उसके थ्रू हम एक ग्राफ बनाते हैं बराबर ये पूरे सेटअप के थ्रू हम एक ग्राफ बनाते हैं ग्राफ जो बनेगा बराबर इसके बाद एक ग्राफ बनता है स्टूडेंट एक मिनट ओके स्टूडेंट इसके बाद एक ग्राफ बनेगा दैट ग्राफ विल बी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी वर्सेस मैनिंग चेजिस कांस्टेंट बराबर सो व्हाट यू विल सी आफ्टर प्लॉटिंग दिस ग्राफ आफ्टर डूइंग सेकंड एंड थ्राइस बराबर दो बार करने के बाद व्हाट यू विल सी दैट एज द वेलोसिटी गेट इंक्रीजेस जैसे जैसे वेलोसिटी इसका इंक्रीज होगा स्टूडेंट वैसे वैसे बराबर इसकी चेजिस कॉन्स्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगा बराबर इट विल स्टार्ट राइजिंग समझ में आया As the velocity get increased, the value of chassis constant get increased. Look, मेरे पास graph है तो मैं दिखा सकता हूँ. Or you can say the velocity of chassis constant increases with increasing discharge. बराबर. तो इसका direct relation किससे? Chassis से और velocity से. बराबर. जैसे velocity increase होगा, discharge increase होगा, definitely guarantee है, बराबर ना? Velocity increase, discharge increase, chassis constant की value increase. वो कैसे पता चलेगा? Graph plot करके. कैसे graph plot होगा? तीन value के लिए हम लोग discharge अलग-अलग velocity के लिए हम graph बनाएंगे velocity versus chassis value की. समझ में आ रहा है? Yes sir. You can write conclusion. Bolu, should I repeat that? Should I start saying conclusion? Should I start dictating conclusion? Yes, sir. Yes. Okay. Value of chassis constant, value of chassis coefficient, value of chassis coefficient increases with increase in discharge. Value of chassis coefficient increases with increase in discharge. लिखा सर प्लीज रिपीट ओके वैल्यू ऑफ चेज इज कोएफिशिएंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्चार्ज वैल्यू ऑफ चेज इज कोएफिशिएंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्चार्ज लिखा यस सर वैल्यू ओके नेक्स्ट पॉइंट
there is a direct relationship between velocity and chassis coefficient. दोनों का direct relation है ना, वो भी increase, ये भी increase. Inversely नहीं है, inversely मतलब एक increase एक decrease होता है, बराबर? नहीं जवाब दे रहे. Yes, sir. हाँ, directly मतलब yes, क्या हुआ student? ये increase, दोनों increase हो रहा है, बराबर? तो उसको बोलते हैं directly proportional, बराबर? जैसे मैं अगर पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ रहे हो directly हुआ, correct? मैं पढ़ा रहा, आप पढ़ ही नहीं रहे तो inversely हुआ. समझ में आया डायरेक्टली मतलब? अगर मैं कुछ अच्छा दूंगा तो आप भी को अच्छा ही देना है, अगर मैं पूछ रहा हूं आंसर तो यू हैव टू रिप्लाई फॉर दैट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बराबर? ये लिख के लो, ये दो पॉइंट्स लिख के लो. ये कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. देन अंडरस्टूड पूरा एक्सपेरिमेंट, थ्योरेटिकली समझा, प्रैक्टिकली मैं मानता हूं. अभी समझ के लो प्लीज, थोड़ा तो कंसिडर कर ही सकते हो अगर सर इतना मेहनत कर रहे तो, इतना तो समझ ही सकते हो, नो इश्यू इन दैट. पक्का थेरोटिकली समझा ना, व्हाट इज द इंटेंशन एम. अगर मैं आपको पूरा सेटअप लाके दे दूं हाथ में, आप कर सकते, एटलीस्ट यू कैन ट्राई ना. यस सर. यस सर. ओके ओके ओके, थैंक्स अ लॉट. नाउ वी स्टार्ट विद क्यू एंड ए सेशंस. यस, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो. फायर योर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है पूछो, बिंदास पूछो, रिगार्डिंग थियरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ. कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट ओनली. यस, नो क्वेश्चंस तो मैं पूछूंगा, फिर तुम नहीं पूछोगे तो. कोई भी क्वेश्चन पूछो रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, यूनिट्स, कन्वर्जन, कॉन्स्टेंट, टर्म्स, यूज, सिग्निफिकेंस, ऑब्जर्वेशन थियरी, प्रैक्टिकल फॉर्मूला, इक्वेशंस, कुछ भी पूछो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली. अब ये मत पूछना कि सर ऑरिफिस मीटर या फिर वो सब में मत घुस जाना FM में. रिगार्डिंग दिस टॉपिक, टिल्टिंग फ्लूम, ओपन चैनल, आर्टिफिशियल फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, ये टॉपिक के ऊपर ही पूछना है. कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं पूछना स्टार्ट करूंगा, दो मिनट दूंगा मैं. ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुमको खुद आउट आ नहीं रहा, देन आई विल स्टार्ट आस्किंग, नो इश्यू इन दैट. ओके, मैं स्क्रीन ले लेता हूं ताकि मेरे को नाम मिलते रहे स्टूडेंट्स का. एंड अगर मैं नाम बोलूंगा तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको नाम लेने पे अनम्यूट करना है. इफ देर इज सम इश्यू इन माइक, यू हैव टू टाइप दैट, बराबर? अगर आप दोनों नहीं कर रहे हो मतलब लेक्चर सुन ही नहीं रहे थे, करेक्ट? ओके, एज वी आर ऑल अवेयर, एक छोटा सा नोटिस, आपका मीटिंग खत्म होने वाला है, करेक्ट? अच्छा, ट्रेपेजॉइडल चैनल का अच्छा डाउट पूछा. देखो, एक स्टूडेंट ने पूछा अब्दुल्ला ने कि सर कैन यू एक्सप्लेन टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरिमीटर ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन. ओके, रिगार्डिंग दिस एक्सपेरिमेंट अगर आप पूछ रहे हो बच्चा, तो हम लोग ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते, बट वी कैन डू दैट, इजिली कर सकते. कैसे कर सकते? एक आर्टिफिशियल चैनल, उसके अंदर ये सेटअप के अंदर फिट कर दो, जिसका एक बेड स्लोप रहेगा दोनों साइड से, करेक्ट? आर्टिफिशियली एक चैनल फिक्स कर दो और उसके थ्रू वी कैन इजिली कैलकुलेट इन द सेम मैनर, ऐसे जैसे हमने किया ना चेजेस के लिए. अगर आप एक्सपेरिमेंट, अगर आप थ्योरेटिकली पूछ रहे हो मतलब थियरी पॉइंट ऑफ व्यू कि हाउ टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर, उसके इक्वेशंस, तो वो मैं आपको फ्राइडे सिखा के दूंगा. फ्राइडे मॉर्निंग जब भी अपना लेक्चर है, एट दैट टाइम वी विल स्टार्ट विद द थ्योरी पार्ट. समझा अब्दुल्ला? यस सर. यू हैव क्लियर इट? ओके, थैंक्स थैंक्स. यस सर, इट्स क्लियर, थैंक यू. ओके 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 ओके, तो देयर इज नो डाउट, सो वी विल फिनिश आवर सेशन, बराबर? ऑलरेडी टाइम हो चुका है, आगे खींच के मतलब नहीं है. वी विल फिनिश आवर सेशन ओवर हियर. होप सो ऑल हैव डन विद द अटेंडेंस पार्ट, दे मे लीव, बराबर? अगेन व्हेन वी आर मीटिंग, एनी वन ऑफ यू कुछ डाउट है कब मिल रहे, बिकॉज नोट दैट चेंज इन द टाइम टेबल. कभी मिल रहे हम लोग? वेडनेसडे को. वेडनेसडे नहीं बेटा, शायद हम लोग फ्राइडे. प्लीज चेक योर टाइम टेबल. यस, फ्राइडे मिल रहे हैं. ओके ओके ओके, डन. थैंक यू एवरीवन. ओके, यू मे लीव. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. ए, इतना ही थैंक यू मत. Welcome, welcome to everyone. You may leave. हाँ, अंसारी मोहम्मद साकिब, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, नो इश्यू है. मैं रिजॉइन होकर डाउट बता सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है मेरे को.
I will wait till the session gets over. Till then, anyone is having any doubt? सर जो प्रैक्टिकल जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं उसका रिटन पार्ट सर कैसा करना है लाइक रुकना है जब तक कॉलेज स्टार्ट होने के लिए कैसा करना है व्हेनेवर आई गेट अ नोटिस फ्रॉम हायर अथॉरिटीज यस यू कैन स्टार्ट राइटिंग यू कैन आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट द प्रैक्टिकल इन द फाइल या फिर जो भी पेजेस में रहेगा एट दैट टाइम आई विल इन्फॉर्म यू टिल देन मेंटेन अ रिकॉर्ड बराबर एटलीस्ट मेंटेन अ रिकॉर्ड ये सब जो लिखवा रहा हूँ कैलकुलेशन पार्ट जो बोल रहा हूँ प्लीज मेंटेन इन अ रफ नोटबुक बराबर तो फिर इंस्टेड ऑफ राइटिंग इतना सारा प्रिंट आउट उसका ले सकते हैं उसके अंदर रीडिंग्स लिख सकते हैं दैट आई हैव टू आस्क फ्रॉम माय एचओडी बिकॉज़ व्हाटएवर आई गॉट फ्रॉम एज पर मुंबई हां बोलो आप पूछिए ना उनसे आपके ऐसा कर सकते हैं तो इट मच इजीियर मैं पूछ लेता ओके ओके श्योर श्योर आई विल डेफिनेटली आस्क ओके कि ऐसे अलाउड है नहीं अलाउड बट देन ओनली आई विल इन्फॉर्म ओके ओके सर थैंक यू ओके ओके Till then, there is no instruction that you have to maintain a record, experiment, likhna start kar. But